नहीं आती तुझे? बहन सैड और तू रसगुल्ले खा रहा है। वो मैं भी तो सैड हूँ ना, मैंने सुना मीठा खाने से उदासी कम हो जाती है। बोला मुझे भी देख। मैं ना ये ईशानी के साथ भी शेयर करूंगा। ईशानी ये ले ना, तेरे फेवरेट है ना रसगुल्ले, ये ना एक तो खा ले। ईशानी बैठ बैठ, बस करो पापा, बस बस बस। मेरे बच्चे उसी के साथ क्यों हर्षद? हर्षद गलती हमारी, वो तो मना कर रही थी, हम ही ने उसे इस रिश्ते के लिए, हमारी गलती की सजा मेरी को। कितना भरोसा था उसे प्यार में, उसका बस एक ही सपना था कि जिससे वो प्यार करे उससे ही शादी करे, और अब मेरी नजर लग गई मेरी बच्ची को। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलो फालतू, ऐसा मत सोचो। एक काम करो तुम, ये लो पानी पी, पानी पी, पानी पी। अच्छा ये छोड़, वो देखो आसमान में वीनस, कहते हैं सूर्य अस्त के समय से देखकर जो भी विश मांगो ना पूरी हो जाती है। शानी कुछ कहेगी नहीं, कुछ तो बोल प्लीज, मुझे अकेला छोड़ दो। शानी ये रसगुल्ले यहाँ रख के जा रहा हूँ, मन करे तो खा लेना। ओके रणवीर, ईशानी शॉक में चली गई है, उसका रोना बहुत जरूरी है, प्लीज कुछ करो। प्लीज रो लो, वरना ये बात तुम्हें अंदर ही अंदर खा जाएगी, बीमार पड़ जाओगी तुम। देखो तुम एक बार के लिए अच्छे से रो लो, अपना मन हल्का कर लो। हाँ मुझे अकेला छोड़ दो। देखो शानी तुम्हें रोना आ रहा है, और तुम्हें रोना आना भी चाहिए। चिराग ने तुम्हारे साथ कितना गलत किया, धोखा दिया तुम्हें, झूठ बोला तुमसे, शानी कितनी चोट पहुंचाई। देखो ईशानी प्लीज एक बार के लिए जी भर के रो लो प्लीज। ईशानी मेरी बात सुन रही हो ना तुम? हाँ नहीं बस। अरे रो रही है ना फाल्गुनी, मुझे लगा ही फाल्गुनी रो रही होगी। और रोना क्यों नहीं आएगा, बेटी की शादी का इतना बड़ा सपना आंखों के सामने
अरे माड़ी रे, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। जब ईशानी का रिश्ता तय हुआ नहीं तो मुझे लगा चलो एक माँ की दुआ पूरी हो गई। मुश्किल से ही सही पर ईशानी को उसके मन का राजकुमार तो मिल गया। लेकिन हाय अली बा, ये तो राजकुमार की शक्ल में राक्षस निकला। बेचारी ईशानी, एक दांत तो पहले से था और अब ये दूसरा। नंद कुंवर, बच्ची पे थोड़ी तो दया कर। और हर्षित, देख रहा तू भी हौसला रख, तूने तो कोई कसर नहीं छोड़ी। तेरे नाम से, रुतबे से तू एक अच्छा ही रिश्ता लेकर आया था। लेकिन बेटा, पैसों से बेटी के रिश्ते खरीदे जा सकते हैं, किस्मत नहीं। होगा तो वही ने जो ईशानी के किस्मत में लिखा हुआ है। हम तो बस प्रार्थना ही कर सकते हैं उसके लिए कि बच्ची को सुखी रखे। इसको संभाल, संभाल इसको। शानी, ये देखो, मैं तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेकर आया हूँ। अरे तुम्हारा फेवरेट फ्लेवर है, बटर स्कॉच। आइसक्रीम तो मैं लेकर आ गया, लेकिन इसे लगाओ कहाँ? अरे शानी, तुम्हें याद है बचपन में जब भी मुझे चोट लगती थी तुम मेरे चोट पर ये आइसक्रीम लगाया करती थी, याद है? बुद्धू, ये लगाने के लिए खाने की चीज है, लेकिन अगर तुम्हें ऐसा अच्छा लग रहा हो तो लो, मैं लगा देती हूँ। पर तुम्हारे शरीर पे तो चोट लगी नहीं। चलो मेरे साथ, चलो आओ आओ, चलो। वो देखो, मांगा था मैंने रणवीर, बस कोई कोई ऐसे इंसान मांगा था ना जो मुझसे प्यार करे। ऐसे ही प्यार जैसे पापा माँ से करते हैं। क्या बहुत ज्यादा मांग लिया मैंने भगवान से। बस ऐसा इंसान मांगा था ना जिसके साथ अपनी हर खुशी हर दुख शेयर कर सकूं, जिंदगी शेयर कर सकूं, जो सिर्फ मेरे बारे में सोचे, मेरा ख्याल रखे, जिसकी दिन की शुरुआत भी मुझसे और दिन खत्म भी, जिसकी हर खुशी मुझसे हो, हर दुख जो वक्त के साथ कभी ना बदले, मरते दम तक मेरे साथ रहे, मेरे साथ चले,
ऐसे इंसान तो होते ना रणवीर, मुझे कोई ऐसा क्यों नहीं मिलता? क्या मुझसे प्यार करना इतना मुश्किल है? शनि, तुमसे प्यार करना तो बहुत आसान है, तुम देखना तुम्हें वो जरूर मिलेगा जैसा तुम चाहती हो। दुनिया में सबसे ज्यादा तुम्हें चाहेगा, उसकी खुशी सिर्फ तुमसे ही होगी। दोस्त बनकर तुम्हें संभालेगा, परछाई बनकर तुम्हारे साथ चलेगा। तुम्हारा दुख उसकी आंखों में दिखेगा, कोई ऐसा जिसकी जिंदगी उस दिन शुरू होगी जिस दिन उसकी सांस तुम्हें देख के रुक जाएंगे। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए, मैं बस चाहता हूं कि तुम्हारी सारी तकलीफें दूर हो जाए। बस रो लो ईशान, आज नहीं रुकूंगा तुम्हें। ऐसा काम किया है कि वहां मौजूद सारे लोग जिंदगी भर याद रखेंगे, उसने ईशानी बिटिया की जिंदगी बचाई है। तू देखना अम्बा, इस काम का उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा, उसे वो इज्जत वो होता मिलेगा जिसके वो लायक है। अब बाप बेटे की अकल पे ना पत्थर पड़े हैं, पत्थर। अब समझ क्यों नहीं रहे हो? अरे वो बड़े लोग हैं, एक ही थाली के, उनकी मुसीबतें तो यूं हल हो जाएगी लेकिन हमारे सर पर जो पहाड़ टूटेगा नहीं उसका आपको अंदाजा नहीं है। मुझे मुझे रणवीर का बुरा वक्त दिख रहा है, अब चलो यहाँ से चलो। अम्बा अम्बा, ऐसा कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर, जो हुआ है ना उससे हमारे बेटे की जिंदगी बदलने वाली है, और अब जब उसकी जिंदगी बदलने वाली है, सब कुछ अच्छा होने वाला है, तो तू उसे दूर भेज देना चाहती है, तो भी कहेगी कैसे? समझाओ इनको, मेरे बेटे की जिंदगी में कोई तूफान आने वाला है, कौन बचाएगा उसे? बेदखल हो रही है तू मेरे घर, मेरे परिवार, मेरी जायदाद से बेदखल हो रही है तू। नहीं बाबा, आप कुछ लेते क्यों नहीं, करते क्यों नहीं? मैं क्या करूं? अरे जैसे तुम्हारे साथ मुझे भी घर से बेदखल होना पड़ रहा है, खून की तरह गेहूं में पीस रहा हूँ मैं भी। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, आई स्क्वेयर माँ। तूने ही बताया, तेरी वजह से ईशानी ससुराल नहीं जा पाएगी, तो तुझे भी ससुराल छोड़ना पड़ेगा। Get out! पापा, my hand, your feet, Baba wings and... अने हाँ भर, जाने से पहले ये कंगन उतार के जाना, अंजुना। नहीं माँ, मुझे इन कंगनों से अलग मत करो, इन कंगनों में मेरी जान है। उतार दे चाहे तू, उतार दे, इसी बहाने तेरा 3 किलो वजन तो कम हो जाएगा। अपनी माँ को कुछ बोल नहीं सकते तू?
काश मैं तुम्हें इस घर में आने से रोक पाता, तुम्हारे साथ बेइज्जत होकर मुझे घर छोड़ना नहीं पड़ता। डोंट थ्रो मी आउट पा, मैं कहां जाऊंगी, मैं क्या करूंगी? काम काम करेगी ने तो कुछ बनेगी। अरे चल धीरे धीरे चल रही है, धीरे धीरे नहीं चले हूँ, गिर जाऊंगी ना। काम छोड़ो, 15 मिनट लगा उधर से इधर आने में तुमको, कट पूरा पैसा आज का कट। क्या? नो मनी? नो मनी? नो मनी तो हम खाएंगे क्या हनी? गालिया, 5 दिन से वही खा रहे हैं तेरी वजह से। नहीं, मुझे गालिया नहीं खानी, मुझे गालिया नहीं खानी। क्या हुआ चिंटू? मुझे बाकी साथ अभी की अभी बात करनी पड़ेगी, मेरा गुजारा गलियों में नहीं हो सकता, मैं जा रही हूँ। मेरा गुजारा गलियों में नहीं हो सकता, ये क्या नया कांड है चेतू? और रणवीर गया तो गया कैसे? कोई पहुंचा होगा उसके बाप के पास, वरना वो पहुंच ही नहीं पाता। माड़ी रे, ये रणवीर का कुछ तो करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। ये खबर पाकी से? बा एकदम पाकी छे। बा, मैं आपके लिए जिंजर स्टीज लाई हूँ, एक ट्राई तो करो। कान दर्द करने लगे हैं मेरे। मुझे पता है तूने नहीं, किसी और ने किया। उसी टॉपिक्स के बारे में आपके साथ? चुप हो जाओ वरना एक लगाऊंगी ना तो यहीं चित हो जाएगी। चली जा। आपने बुलाया मुझे? कल जो भी कुछ हुआ उसमें तेरा हाथ तो नहीं था? आप मुझसे पूछ रहे हो ये? क्या बात, आप ऐसे सोच भी कैसे सकते हो? नहीं नहीं बा, इसमें मेरा कोई लेना देना नहीं है। सच बोल रही है? मेरे इसमें कोई हाथ नहीं था। देख दिशा, मैं प्यार से पूछ रही हूँ, सच बोल दे वरना सच बुलवाने के और भी तरीके आते हैं। बा, मैं सच कह रही हूँ, मेरा कोई हाथ नहीं था। बाप, अगर बती अब सच बताएगी। बाप, भाई आप क्या कर रहे हो? सच बोल दिशा। भाई आप क्या कर रहे हो? भाई मैं सच बता रही हूँ, मेरा कोई बाप प्लीज बाप बहुत दर्द हो रहा है। भाई आप क्या कर रहे हो? बाप मैंने कुछ नहीं किया है। बाप मुझे लगता है तू ऐसे नहीं बताएगी। रणवीर का भूत चढ़ा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानता। दिशा, दिशा तूने मेरे खिलाफ जाके अच्छा नहीं किया, अच्छा नहीं किया दिशा।
नहीं बताएगी तो ये जख्म देख के सबको पता चल जाएगा। आज समझ में आ गया कि तूने ऐसा क्यों किया। आखिर है तो तुझ में उस फाल्गुनी का ही खून ना। बता दे उसे कि तुम मेरी पोती से ज्यादा उसकी बेटी है। हैंडवा मान। बाबूजी, आपने बुलाया था मुझे? हाँ रणवीर, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए मोटा बाबूजी। रणवीर, मुझे माफ कर देना। तूने मेरे परिवार के लिए क्या कुछ नहीं किया रणवीर, लेकिन मैंने तुझे गलत समझा। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई रणवीर, बहुत बड़ी गलती हो, मुझे माफ कर दे बेटे। नहीं मोटा बाबूजी, आपको ऐसा बोलने नहीं। रणवीर, अरे नहीं मोटा बाबू जी, प्लीज प्लीज, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। मोटा बाबू जी, जो हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। मैंने उस चिराग को पहचाने में गलती कर दी। वक्त बुरा था मोटा जिसमें ये सारे फैसले। आप प्लीज, आरन मेरे, और इस बुरे वक्त का जो असर मेरी बेटी ईशानी पे हुआ है, उस असर को भी अब तू ही दूर कर सकता है बेटे। उसके चेहरे की हंसी तू ही लौटा सकता है, इस घर का माहौल तू ही ठीक कर सकता है बेटे। कल गणपति जी आ रहे हैं, और हर बार की तरह इस बार भी गणपति जी को तू ही लेकर के आएगा। और हाँ रणवीर, इस बार गणपति जी की धूम हर बार से दुगनी होनी चाहिए बेटे। मेरी बेटी का दिल जरूर दुखा है, लेकिन विघ्नहर्ता ने मेरी बेटी की जिंदगी में आने वाले सारे विघ्नों को हर लिया है। बोल रणवीर, हरा है ना? हरा है मोटा बाबूजी। गणपति पापा ने ईशानी के सारे दुखों को हरा है, और हमेशा हरे। इस बात पे हो जाए क्या? गणपति बाप्पा मोरिया। थैंक यू बेटा, थैंक यू।
तो इस घर का ट्रेडिशन ही बन गया। गणपति रणवीर के कंधों पर आते हैं और उसी के हाथों से उनका विसर्जन होता है। हाँ बेटे, इस बार भी हम गणपति जी की स्थापना पूरे रीति रिवाज के साथ धूमधाम से करेंगे और उसके बाद हम सब लोग चलेंगे अपने सार्वजनिक पंडाल में और वहां पर मां आरती करेंगे। हाँ, हमारे पूरे गुजराती कम्युनिटीज में सबसे बड़ा पंडाल हमारा ही तो है, हमें तो है मेन स्पॉन्सर्स। सेलिब्रेशन भी बिग होगा मॉम, क्योंकि इस बार भी मोटा काका अपने सारे सेलिब्रिटी फ्रेंड्स को बुलाएंगे, है ना मोटा काका? हाँ भाई, सभी लोग आएंगे गणपति जी का आशीर्वाद लेने के लिए। मतलब इस बार डबल धमाका, डबल बड़ा पंडाल और बड़े बड़े स्टार्स और डबल सारा आना, है ना? ये बोलना था ना मैंने, देख लो इस मोटे को, देख लो। हम सब आपके साथ डांस करके भी होश हो जाएंगे। क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। ईशानी चांद को मत देखना। अरे धत तेरी की, चांद को मैंने देख लिया। क्यों, क्या हुआ? अरे वो कुछ नहीं, वो माँ कहती है कि गणपति के टाइम पे चांद को नहीं देखना चाहिए, जो देखता है उसके सर पे इल्जाम लग जाता है। इसलिए तुमने मुझे रोका, और खुद देख लियो, अब तुम पे कोई इल्जाम लगेगा तो मेरी छोड़ो, मुझे तो आदत है इल्जाम और मार खाने की। जब मतलब ईशान की आगे पीछे मंडराता रहता है, इसका तो कुछ करना पड़ेगा। मैं बता दूंगी।
सॉरी रणवीर, मुझे आजकल कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है। मैं शानी, तुम ऐसे उदास रहोगे तो कैसे चलेगा बताओ? तुम्हें पता है मोटा बाबूजी ने मुझसे कहा है तुम्हें खुश रखने के लिए। अब तुम बताओ मैं तुम्हें कैसे खुश रखूं? तुम जो बोलोगी ना मैं वो करूंगा, तुम बोलो मैं क्या करूं? पापा ने नहीं भी बोला होता ना तब भी तुम मुझे खुश करने के लिए कुछ भी करते है ना? ईशानी, जिसके बारे में सोचकर तकलीफ पहुंचे ना उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। बेस्ट चलो मेरे साथ। कहाँ? तुम्हारा मूड कैसे ठीक करना है मुझे अच्छी तरीके से पता है। चलो 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 सर। आई नो कि तुम लोग मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते होगे क्योंकि मैं निशानी के साथ हूँ। एक्चुअली मैं यहाँ पर निशानी के लिए आया हूँ, उसका कुछ सामान है जो मेरे पास। रोमिल मेरा फ्रेंड है और तुम ईशानी की कजन, इसलिए हिम्मत करके यहाँ पर आ पाया हूँ। मैं चाहता हूँ तुम दोनों प्लीज ईशानी का सामान उसको वापस दे देना। आई बी रियली थैंकफुल। शानी एक्चुअली चिराग रोमिल का भी फ्रेंड है ना, इसलिए हम उसे घर से नहीं निकाल सकती थी, लेकिन चौके थे। वो मैं तुम्हारा सामान उठाने आया था जो मेरे पास रह गया था। ये वो बुक्स है जिससे मैं तुम्हें पढ़ाया करता था और इसके अंदर तुम्हारा हैक्लिप और स्कार्फ जो तुम मेरे घर पे भूल गई थी। और ये बाकी बताने की जरूरत नहीं, जो भी है मैं सब दे दूंगा शानी। गौरी
कल घर पे गणेश जी की स्थापना है, जरूर आना। चलो शान। तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, इसका मतलब मेरे पास अभी भी एक मौका है। मैं वापस आऊंगा ईशानी, और इस बार खाली हाथ नहीं जाऊंगा, इस बार तुम्हें हासिल करके रहूंगा। पूरी गुजराती कम्युनिटी में हमारा पंडाल सबसे बड़ा होता है। एंड यू नो व्हाट, बहुत सारी बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज होंगी, क्यूट बिच्चू बॉयज भी होंगे। या मैन, आई टू जस्ट कांट वेट। याद है लास्ट ईयर वो राहुल कितना फ्लर्ट कर रहा था, और वो इतने गॉड। कौन राहुल? ओ वो राहुल बच्चे, वो बेचारा तो लास्ट ईयर मेरी अटेंशन पाने के लिए तरस गया था, इसलिए तो मेरे आगे पीछे घूम रहा था, लेकिन मैंने उसे कोई भाव नहीं दिया। कम ऑन दिशा, चिराग ने तुझे रिजेक्ट किया और तू कह रही है कि सारे लड़के सिर्फ तुझे डेट करना चाहते। तेरे साथ तो तेरा ड्राइवर ही रह ले, कोई बड़ी बात है। भाव तो तुझे वो भी नहीं देता। दिशा, मैं सब नोटिस किया। What do you mean by this, रुचिका?
अरे वो मेरा मतलब है उसका सारा ध्यान तो तेरी बहन निशानी पर ही रहता है ना। दिखने में क्यूट है तो ड्राइवर ना। शायद इसीलिए उसे तेरी स्टेप सिस्टर निशानी ज्यादा पसंद है। आफ्टर ऑल दोनों है तो सेम टाइप्स ना। थैंक यू रणवीर। थैंक यू किस बात का? मैं हमेशा हूं तुम्हारे लिए। गुड नाइट। गुड नाइट। थोड़ा ही सही परेशानी है, आज मुस्कुराई तो सही। हे पापा, कल आपकी स्थापना में उसे पूरी तरह से अपने रंग में रंग देना और उसे खुश रखना। क्या कह रही थी तू मुझे? कि रणवीर मुझे भाव नहीं देता। किसकी क्या औकात है, तो कल ही पता चल जाएगा। See you tomorrow then. Bye. Okay, bye. ए दिशा, चल ना, तू पंडाल नहीं चल रही है क्या? सब तैयारी देखने जा रहे हैं। नहीं देवेश, तू जा, मुझे बहुत नींद आ रही है। I'll be sleeping now. ओके। ओहो माड़ी रे, इतने बड़े गणपति और इतनी सारी साज सजावट। हर्षद, इस बार तो तूने पिछली बार से बहुत ज्यादा तैयारी की है ना? हाँ बा, इस बार मैंने गणपति जी की स्थापना ईशानी के नाम से की, ताकि वो अपने साथ खुशियां तो लाएं ही, साथ साथ ईशानी के चेहरे की कोई भी हंसी भी वापस लेकर के आ सके। काश पापा तेरे लिए थोड़ी सद्बुद्धि लेके आए, क्योंकि तेरी अपनी तो ईशानी के पीछे भ्रष्ट हो चुकी है। अच्छा आप लोग सब सुनो, कल हम लोग घर की पूजा के बाद सारे लोग सीधे पंडाल में आएंगे। सारे मेहमानों और रिश्तेदारों को न्योता पहुंच चुका होगा, और अगर कोई मान लो बच गया हो तो उसे भी याद से निमंत्रण पहुंचा देंगे। और एक बात और, कल हमारे घर में जो भी कुछ हुआ है उसका असर परिवार के किसी भी सदस्य के चेहरे पे मुझे नजर नहीं आना चाहिए। हम लोग पूरी श्रद्धा और खुशी के साथ इस पर्व को मनाएंगे। उन लोगों को भी तो पता चलना चाहिए कि। लेकिन मोटा भाई, ये सार्वजनिक पंडाल है, अगर चिराग और उसके घर वाले यहाँ आ गए तो हम। हाँ तो उनको आने देना, हम किसी को दर्शन करने से रोकेंगे नहीं। उन्हें भी तो पता चलना चाहिए कि उनके ना होने से हम लोग ज्यादा खुश हैं, और उनका होना या ना होना हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। प्रमोटर काका, एक और प्रॉब्लम है, हमें प्रतीक को पंडाल में कवर करके रखना होगा। मुझे क्यों? मैंने क्या किया? कई लोग इसे गणपति समझ के इसका विसर्जन न कर दे। बस बप्पा, ऐसे ही मेरा परिवार हंसता खेलता रहे, मैं समझूंगा कि आपका आशीर्वाद मिल गया। हे विघ्नहर्ता, मेरी बेटी के जीवन से सारे विघ्न हर लीजिए। रणवीर, तूने मुझे रिजेक्ट किया ना, अब दिखाते मैं तुझे।
उसे ये दे देना, उसे कहना कि पापा ने उसके लिए प्रसाद लाया, और हाँ अब याद से उसे देना, और रणवीर को ही देना, ठीक है? जी। रणवीर भैया, मोटा बाबूजी आपके लिए प्रसाद लाए। रेवा, थैंक यू। अच्छा, वो निशानी सो गई क्या? संभाल करे, I'm there ना।